दोस्तों, मैं अंजनी कुमार अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः आप लोगों के साथ उपस्थित हूं, एक नई आइडिया के साथ, एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, मैं अपने चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं पब्लिक सेक्टर यूनिट की ही एक कंपनी लेके आया हूँ, रेल विकास निगम लिमिटेड। उसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या इस प्राइस पे, जो अभी मार्केट प्राइस है उस पे, क्या इसमें निवेश किया जा सकता है, क्या इसमें पैसा सेव है, इसका फ्यूचर क्या है, अन्य सभी जानकारियां जो इससे रिलेटेड है वो आपको बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि कृपया करके मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखने का कष्ट करें, क्योंकि जब तक अंत तक नहीं देखेंगे आपको सभी जानकारियां उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, और लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, ऐसा सभी कहते हैं। तो कम जानकारी के साथ अगर आपने निवेश कर दिया तो हो सकता है आपका मन माफिक रिजल्ट ना आए, हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको निवेश सलाह देना नहीं, आपको खुद निवेश के डिसीजन लेने की क्षमता प्रदान करना है। मैं आपको इतनी जानकारी दे देना चाहता हूं ताकि आप खुद ये डिसाइड कर सकें कि इसमें निवेश करना है या नहीं करना है। किसी के कहने पर निवेश कभी ना करें, अपने फिनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करके करें, क्योंकि पैसा भी आपका है, प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है, इसलिए जिम्मेदारी भी आपकी है। इसी के साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग नए दर्शक हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि समय से उनको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और समय से उनकी जानकारी अपग्रेड हो सके। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और मेरा हौसला बढ़ाइएगा, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए नई नई जानकारियाँ लेकर आता रहूँ। दोस्तों, अब बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL की, जो अभी 17 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और रेलवे रिलेटेड प्रोडक्ट ही एक्सक्यूट करती है, रेलवे से जुड़ी हुई जो प्रोजेक्ट होते हैं उसको ये एक्सक्यूट करती है, और इसमें जो इसका एलोकेशन होता है काम का, वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से होता है, फंड भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बजटरी लोकेशन में, एलोकेशन में इसको फिनांस किया जाता है। साथ साथ ये लोन भी लेती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लेती है, रेल फिनांस कॉरपोरेशन से भी लेती है, इस तरीके से बाहर से भी फंड लेती है और रेलवे से भी फंड लेती है, और अपने प्रोजेक्ट को फिनांस करके उसको एक्सक्यूट करती है, रेल से संबंधित इंड टू इंड एक्सक्यूशन का इसको एक्सपर्टी है। और इसकी स्थापना 15 अगस्त 2002 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। दोस्तों, उसके बाद से कंटिन्यूअस काम कर रही है और सफलतापूर्वक अपने प्रोजेक्ट को एक्सक्यूट कर रही है। दोस्तों, बात करते हैं फिनेंशियल्स की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी सेल्स की। अभी जो इस प्रेजेंट फिनेंशियल ईयर में इसकी सेल्स जो है 13,700 करोड़ होने की संभावना है, जो लगभग पिछले 3 साल से लगभग 30% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दे रही है, जो एक बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ कही जा सकती है पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी को। इसका जो नेट प्रॉफिट था 778 करोड़ रुपया के आसपास था, जो इस प्राइस पे ठीक ठाक प्रॉफिट कहा जा सकता है। दोस्तों, आज के प्राइस पे इसका मार्केट कैप 3555 करोड़ रुपया के आसपास है, बुक वैल्यू 19.71 रुपया है, और पी जो है 4.63 है। 4.5 के पी मल्टीपल पे आपको पब्लिक सेक्टर यूनिट की एक बेहतरीन कंपनी मिल रही है, जो ठीक ठाक कही जा सकती है, बहुत महंगी नहीं कही जा सकती, बहुत सस्ती नहीं कही जा सकती, लेकिन अगर सिर्फ पी मल्टीपल की बात करें तो 4.5 का पी मल्टीपल सस्ता कहा जा सकता है। दोस्तों, इसका अगर 52 वीक हाई लो की बात करें तो 29.90 रुपया का हाई है और 10 रुपया का लो है। अगर ये अपने लो से बात करें तो लो से लगभग 70% ऑलरेडी बढ़ चुकी है, लेकिन अगर हाई से बात करें तो हाई से अभी भी 50% डाउन है। तो उस तरह से अगर इस रेट पे कोई खरीदता है और ये 52 वीक हाई को टच करता है तो लगभग 100% का ग्रोथ होता है, लेकिन अगले 1 साल तक इसकी कोई संभावना मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, क्योंकि कोरोना क्राइसिस के कारण गवर्नमेंट का जो फंड एलोकेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये निश्चित रूप से कमेगा, और जब फंड कमेगा तो इसका प्रोजेक्ट का रफ्तार कमेगा, इसकी अर्निंग कमेगी, अर्निंग कमेगी तो इसका प्रॉफिट भी कमेगा, प्रॉफिट कमेगा तो पी रेशियो कमेगा, तो इस तरीके से इसका शेयर प्राइस और गिर भी सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
कंपनी डिविडेंट लगभग लगभग नहीं देती है, जो डिविडेंट इसको मिलता है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट में फिनांस हो जाता है या इसके कर्ज में सधाने में चला जाता है। दोस्तों इसकी बुक वैल्यू 10 रुपया के आसपास है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम देखते हैं उसमें प्रमोटर होल्डिंग के साथ साथ डेट भी देखते हैं, तो कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.8 के आसपास है। मैं आपको बताता हूं कि एक से नीचे का जो डेट इक्विटी रेशियो रहता है वो ठीक ठाक माना जा सकता है, अर्थात वो रिकवरी करने की स्थिति में रहता है। तो इसका 0.8 डेट इक्विटी रेशियो है, जिसको बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में नहीं मान सकते। दोस्तों इसके बाद मैं बात करता हूँ इसके शेयर होल्डिंग की। शेयर होल्डिंग में 87.84% इसमें जो होल्डिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की है, और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है 1.5% के आसपास है, जिसने लगभग 0.5% होल्डिंग घटाई है। दोस्तों इंश्योरेंस भी 0.38% के आसपास इस गिरती में इसने खरीदारी की है। दोस्तों इसके हिसाब से शेयर होल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस कंपनियां खरीद रही हैं तो इसका मतलब उनको इस कंपनी पे भरोसा है। दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि जो कोरोना क्राइसिस है, इस तरीके से गवर्नमेंट का अगर फंड एलोकेशन कम जाएगा, इंफ्रा पे खर्च कम जाएगा, तो कंपनी को प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, जिससे इसके सेल्स और प्रॉफिट दोनों गिरने की संभावना है। चूंकि यह पूर्ण रूप से गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को ही काम करती है, भारतीय रेल से संबंधित कार्य ही करती है, ये इसमें रिस्क है। लेकिन जो कंपनी का प्राइस है उस प्राइस पे फेयर वैल्यू लगती है, और इस पे भी बहुत लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल के लिए इसमें निवेश किया जा सकता है, वह एक अच्छा होगा। लेकिन इसका रिटर्न 12-15% ईयरली से ज़्यादा मिलने की संभावना मुझे नहीं दिखती है। अगर कंपनी पुनः गिरती है, डाउनफॉल होती है शेयर प्राइस में 10-15 रुपये के बीच में अगर आपको मिलता है, तब आपको ज़रूर लेना चाहिए 50% के रिटर्न के लिए। दोस्तों इसी के साथ मैं पुनः एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरे हर वीडियो का उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ साथ अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर आपके मन में किसी शेयर के प्रति कोई क्वेश्चन है उसे भी कमेंट करिए, मैं हर संभव कोशिश करूंगा कि आपको अपना विचार से अवगत कराऊं और उसका जवाब दूं। दोस्तों इसी के साथ मैं अंजनी कुमार आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।